कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। हेलो मायरा, सब ठीक है? क्यों, क्या बहनें भाइयों को सिर्फ उस वक्त फोन करती हैं जब कुछ खराब होने वाला हो? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बस हैरान हो गया मैं। शादी के बाद हमारी कोई खास बात हुई नहीं, कॉलेज में बस सरप्राइज हो गया। सर सलान भाई की रिक्वेस्ट करनी थी, इसीलिए आपको फोन किया। बोलो। पहले आप वादा करें कि आप इनकार नहीं करेंगे और ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं करेंगे। अभी से तुम इतनी ज्यादा शर्तें लगा रही हो तो यकीनन कोई बड़ी बात होगी। सलाह करेगी बड़ी हो बुरी ना हो। नहीं अरसलान भाई, आपको पता है मैं अम्मी की तरफ आई हुई हूँ, तो बस मैं चाह रही थी कि चंद दिन विशाल भी मेरे साथ यहाँ रुक जाए। ऐसा क्यों? कोई ऐसी वजह नहीं है, आपको तो पता है ना कि शादी के बाद हम दोनों की जिंदगियां बदल गई और अम्मी और दादी के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका नहीं मिलता। इत्तेफाक से दोनों यहाँ पे हैं तो मैंने सोचा कि थोड़े दिन रुक जाएं। ये आइडिया किसका है, तुम्हारा या मिशाल का? आइडिया तो आपकी बीवी का है, लेकिन आप उसे कुछ कह के शर्मिंदा मत कीजिएगा। रिक्वेस्ट है, प्लीज इजाजत दे दें ताकि उसको भी इत्मीनान हो जाए। उसको फोन देती हूँ। वालेकुम सलाम। तुम तो अपनी अम्मी की अनजाती मुझे भूल गई। नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगा? अच्छा अच्छा ज्यादा परेशान मत हो, तुम रुकना चाहती हो? जी तो तुम मुझे डायरेक्ट बता देती, इस तरह तुमने मायरा से क्यों सिफारिश करवाई? अच्छा तो वो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, उसके क्या करें, कब चले? नेक्स्ट वीक में। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वीक चले जाएंगे। चलो ठीक है। और मामी और नानी कैसी हैं? सब ठीक है। चलो ठीक है, मुझे बिल्कुल ही मत भूल जाना वहां पे। ठीक है। अच्छा हैरत की बात है, तो ये अरसलान ने कैसे इजाजत दे दी आने की? वो तो चाय खाना पानी सब तुम्हारे हाथ की मांगता है। अरे वाह भाई, लगता है अम्मी आप एक भाव से मिलने आई थी, लगता है दूसरी को भी यही छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ 2-4 दिन की बात है, फिर हम वहीं वापस आएंगे। वो तो तुम दोनों आ ही जाओगी, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अम्मी का तुम दोनों के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना, तो वो ये 2 दिन कैसे गुजारेंगी? अच्छा चुप हो जाओ, फजूल बातें किए जा रही हो, खामोश हो जाओ। चलो आओ चलो। तुम क्यों मना कर रही हो मायरा को बताने से? इतनी बड़ी बात मैं उससे कैसे छुपा सकती हूँ बेटा? अभी मैं कुछ नहीं जानती, मगर आप ये बात मायरा को नहीं पता चलने देंगी। आपको पता है ना वो मेरी वजह से पहले ही सलमान की कितनी ज्यादतियां बर्दाश्त कर चुकी है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से अपने ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर महसूस करे। अभी तुम अरसलान के खौफ से रो रही थी, अब तुम मायरा के लिए परेशान हो रही हो, हलकान हो रही हो। पहले तुम ये फैसला कर लो कि किसके लिए तुम परेशान हो। तो मैं क्या करूं अम्मी, वो दोनों लोग ही मेरे अपने हैं। एक वो है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, जो मेरा शौहर है, दूसरी मेरी बहन है जो मेरे लिए खुद को कितनी बार कुर्बान कर चुकी है। चुप हो जाओ, डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम मां बन सकती हो बेटा।
मुझे झूठी तसल्लियां मत। नुद्रत, मशाल, ये किस बारे में बात हो रही है? ये तो मुझे पता है कि तुम फौतकी वाले घर नहीं गई थी, फिर कहां गई थी तुम दोनों? बताती क्यों नहीं? अम्मा, मैं क्लिनिक गई थी मशाल को लेकर। क्लिनिक? कौन से क्लिनिक? क्या हुआ है मशाल को? ठीक तो है? डॉक्टर कह रही है कि मशाल कभी मां नहीं बन सकती। मैं कुछ नहीं जानती, मगर आप ये बात मायरा को नहीं पता चलने देंगी। आपको पता है ना, वो मेरी वजह से पहले ही सलमान की कितनी ज्यादतियां बर्दाश्त कर चुकी है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से अपने ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर महसूस करे। अभी तुम अरसलान के खौफ से रो रही थी, अब तुम मायरा के लिए परेशान हो रही हो, हलकान हो रही हो। पहले तुम ये फैसला कर लो कि किसके लिए तुम परेशान हो। तो मैं क्या करूं अम्मी, वो दोनों लोग ही मेरे अपने हैं। एक वो है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, जो मेरा शौहर है। दूसरी मेरी बहन है, जो मेरे लिए खुद को कितनी बार कुर्बान कर चुकी है। डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम माँ बन सकती हो बेटा। मुझे झूठी तसल्लियां मत। बात दरअसल ये है कि मशाल कभी माँ नहीं बन सकती। I'm sorry. सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमें आपको पता है ना, अरसलान को बच्चों का कितना शौक। जब उनको पता चलेगा कि मैं माँ नहीं बन सकती तो या अल्लाह, ये मेरी बच्ची को किस आजमाइश में डाल दिया है। वो कैसे अपने शौहर और ससुरालियों के ताने सहेगी? या अल्लाह, तू रहमान है, हर चीज पर कादर है। मशाल पर रहम कर मेरे मौला। ऐसा नहीं है कि आप कभी माँ ही नहीं बन सकते। अब तो आप जैसी औरतों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तसल्ली रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। हातिम। क्या हातिम? हमारे पहले बेटे का नाम होगा हातिम। हातिम अरसलान। तुम्हें पता मुझे ये नाम इतना पसंद है कि मैंने फेसबुक पे एक आईडी भी बनाई थी इसी नाम की। क्या हुआ? ऐसे ही मैं सोच रही थी कि हातिम तो लड़के का नाम है ना। हाँ तो, पर अगर हमारी पहली बेटी हुई तो उसका भी नाम सोचा हुआ है। उजाला।
क्या? तो इसका मतलब है कि पहले बेटा हो या बेटी, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो तरतीब कुछ भी हो, तीन होना है। तीन? हाँ तीन, हातिम, उजाला और दानिश। फिर कहाँ गई थी तुम दोनों, बताती क्यों नहीं? अम्मा मैं क्लिनिक गई थी मिशाल को लेकर। क्लिनिक? कौन से क्लिनिक? क्या हुआ है मिशाल को? डॉक्टर कह रही है कि मिशाल कभी मां नहीं बन सकती। मैं एक ही घर में अपनी दोनों बेटियों को कैसे ब्याह सकती हूँ अम्मा? अल्लाह ना करे किसी किसी एक के साथ बुरा होगा तो उसका असर दूसरी बेटी की जिंदगी पर पड़ेगा। और अब ये सारी बातें तो बात की हैं, अभी मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि मिशाल और मायरा बहुत छोटी हैं अम्मा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका तो दिल ही नहीं लग रहा होगा आज भाभी के बगैर। ऐसे आपने उन्हें जाने की इजाजत क्यों दे दी? ओ मिशाल ने इतने दिनों बाद रुकने का पूछा, इजाजत मांगी तो मैंने कहा मना क्या करना। वैसे भाई आप बुरा नहीं मनाइएगा, मुझे लगता है भाभी वहां किसी खास वजह से रुकी है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि जब हम उनके घर गए थे ना तो भाभी का कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो अपनी किसी सहेली से मिलने चली गई वहां पे। जब वापस आई है ना तो उनका पूरा मुंह लाल हो रहा था, जैसे घंटों बैठ के रोई हूँ। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि अगर जाने ही था तो आपसे इजाजत लेके जाती और साथ में कुछ कपड़े भी लेके जाती, लेकिन वो ऐसे ही चली गई। तुम यहाँ फजूल बातें बनाती रहोगी या चाय भी लेके आओगी? जाओ चाय लेके आओ। अम्मी चाय तो आप बना रही थी ना। बना दी, कप्स में डाल के लेके आओ। क्या यार, वो जो लड़के वाला वाकया नहीं हुआ, क्या नाम था उसका, वासिर? हाँ वासिर। तब से बिला वजह भाभियों की दुश्मन बनी हुई है, मुझे भी बदगुमान करती रहती है उनके खिलाफ, और अभी तुम्हें भी पता नहीं क्या फजूल बातें कर रही थी। अगर ऐसी बात है तो बहुत गलत बात है, आप प्लीज हमसे को समझाइए। समझाती हूँ, लगता है अब सख्ती करनी पड़ेगी इसमें। लेकिन अम्मी ये अभी रमशा ने जो बात की कि मिशाल अपनी सहेली की घर गई और रोती भी आई थी, मेरी बात भी थी मिशाल से, उससे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। तुम्हारी बीवी अकेली नहीं गई थी, नुदरत भी साथ गई थी। वो उसकी किसी सहेली के अब्बू का इंतकाल हो गया था तो बस वो ताजियत के लिए गई थी। जाहिर है इंसान मैयत के घर से आएगा तो हंसता हुआ तो नहीं आएगा ना, देख लिया होगा इसने रोते हुए, और कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो ऐसे ही हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और सुनो, अब तुम अपनी बीवी से बिला वजह की तफ्तीश मत करने लग जाना। मायरा के साथ इस घर में वैसे भी जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, हमसे राजी नहीं है, तो कम से कम हम मशाल को तो खुश रख सकते हैं। ठीक कह रही हूँ या नहीं? हाँ ठीक कह रही हैं आप। नाश्ता करो। चाय तो ले आओ। अब जी आ रही हूँ। अब मैं कर लूँ नाश्ता? हाँ कर लो। हेलो हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं थोड़ा परेशान।
क्यों, क्या हुआ? मिलके बता, कैन वी मीट? हाँ, लेकिन पहले ये बताओ, परेशानी मुझसे रिलेटेड तो नहीं है ना? नहीं, मेरे मुताबिक। अब मैंने फैसला कर ही लिया है कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है, तो ये भी फैसला कर चुका हूं कि अपने सारे सुख दुख तुमसे शेयर करूंगा। अच्छा बताओ, कब्र कहाँ मिल रहा है? जब तुम कहो तुम्हें घर से पिकअप कर लेता हूँ मैं। ओके, थोड़ी देर में टेक्स्ट करके बताती हूँ। ओके, आई विल वेट फॉर योर कॉल, बाय। वासे बिजी तो नहीं है यार? मेरे साथ जाना एक जगह। अभी अभी नहीं यार, आई एम वेटिंग फॉर इम्पोर्टेंट कॉल और मुझे एक पर्सनल काम से भी जाना है। बहुत सेल्फिश हो गया यार। एक जमाने में जनाब भी सेल्फिश हो गए। मैं कब हुआ था सेल्फिश? ये आपको मोहब्बत हुई थी। It's okay, I'll manage. Bye. अरे आतिर साहब, व्हाट अ कोइंसिडेंस, कैसे हैं? वैसे आज तक हम जब भी आमने सामने आए हैं ना, जानबूझकर आए हैं, लेकिन आज तो कोइंसिडेंस ही हो गया। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ भी बिल्कुल फिट और खुश है। ग्रेट, ओके। अरे भाई ऐसे कैसे, यहाँ पास ही जगह से बहुत अच्छी चाय मिलती है, आए आपको चाय पिलाता हूँ। नहीं थैंक यू वेरी मच, मुझे चाय की कोई तकलीफ नहीं। अरे यार माना, आप बड़े आदमी हैं, आप हम गरीबों की तरह चाय कहाँ पीते हैं, आप तो पीते हैं कॉफी। चले आपको कॉफी पिलाता हूँ, वो भी काली, चलिए तो सही। मूड नहीं है। अरे प्लीज, वो क्या कहते हैं, आई इंसिस्ट, प्लीज चलिए। आई बहुत दुख की बात है, बहुत बुरा हुआ नुसरत, लेकिन हमारी मिशाल के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अरे वो तो बहुत अच्छी बच्ची है, फरमा बरदार, हर एक के साथ मोहब्बत करने वाली, हर एक का ख्याल रखने वाली, फिर अल्लाह ने उसको ये दुख क्यों दिया? दुख नहीं अम्मा, आजमाइश है, और सिर्फ मिशाल की नहीं, हम सब की आजमाइश। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है, तुम देखना अल्लाह हमारी मशाल को औलाद की नेमत से महरूम नहीं रखेगा। अरे देर से सही, पर वो उसको औलाद की खुशी देगा जरूर इंशाल्लाह। आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो मां। लेकिन फिलहाल तो मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि मिशाल ये बात अरसलान को बताएगी कैसे। हाँ अरसलान को तो वैसे भी बच्चों का इतना शौक है, मशाल ने तो खुद मुझे कई दफा ये बात कही है कि अरसलान हर चौथे आठवें रोज उससे इस ख्वाहिश का इजहार करता रहे। बड़े भाई को बच्चों का इतना शौक और छोटा छोटा अपनी बीवी को लेकर ऐसे क्लिनिक जा रहे जहां पर। अरे अब ये कौन सा वक्त है ऐसी तंज भरी बातें करने का? अम्मा तंज नहीं, अपने दुख का इजहार कर रही हूँ आपसे। दुख तो बहुत है, मगर अब ये बताओ कि आगे क्या करना है, क्या सोचा है तुमने, और मशाल क्या कहती है, और मायरा, उसको अपनी बहन की इस मुसीबत का इल्म है? अब तुम मायरा से कह देना, बल्कि उसके अच्छी तरह उसके दिमाग में ये बात डाल देना, उसे अब अपने ससुराल में सर डाल के रहना होगा। ये जो हर रोज लड़ाई झगड़े फसाद करती है ना, इनकी अब गुंजाइश नहीं है। क्यों अम्मा, नुक्स तो मिशाल में है ना, मायरा तो माशाल्लाह से उम्मीद से है, फिर क्यों वो अपने ससुराल में सर डाल कर रहे? अरे जाहिर सी बात है, दोनों के नसीब, दोनों के घर जुड़े हुए हैं,
मायरा अगर दिखाएगी ना तंतना वहां पर, अरे उसका असर फिर मशाल पर पड़ेगा, उसको कचोके लगाए जाएंगे, ताने दिए जाएंगे। अब समझ में आया माँ मैं क्यों आपके और राशिद के इस फैसले के खिलाफ थी, क्यों मैं शोर मचा रही थी, क्यों मैं इस रिश्ते की मुखालफत कर रही थी। माँ अव्वल तो मेरी बच्चियों के साथ बहुत जुल्म हुआ, बचपन में निकाह करके बहुत नाइंसाफी हुई, ऊपर से आपने और राशिद ने मेरी दोनों बच्चियों के नसीब एक ही घर से जोड़ दिए। देखो चाहती तो मैं थी ऐसा, लेकिन बहरहाल निकाह तो तुम्हारी बच्चियों के बाप ने ही करवाया ना। हाँ, लेकिन आपके जोर देने पर आज से पहले तक तो मायरा की जिंदगी उस घर पे जहन्नुम थी, अब इस नुक्स के बाद मिशाल को कांटों पर घसीटा जाएगा और हम हर वक्त सूली पर लटके रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके और राशिद के एक गलत फैसले की वजह से। बहुत बुरा किया अम्मा आपने, राशिद ने अच्छा नहीं किया। आदर साहब मैं आपको बहुत ही एक समझदार बिजनेसमैन समझता था, लेकिन आप है नहीं। अच्छा क्यों? मैंने एक बिजनेस प्रपोजल भेजा था मायरा के थ्रू आपके पास, लेकिन लगता है आपने उसके बारे में सीरियसली सोचा नहीं। सोचा था, सीरियसली सोचा था, लेकिन बहुत ही दो टके का प्रपोजल था, ऑनेस्टली इट वाज टेरिबल, इसलिए मैंने रिफ्यूज कर दिया। स्मार्ट फर्नीचर का शोरूम और ऑनलाइन बिजनेस, आपको दो टके का बिजनेस आइडिया लगा, क्या हो गया आदर सा? आजकल जैसे लोगों के दिल और दिमाग छोटे होते जा रहे हैं ना, वैसे घर भी छोटे होते जा रहे हैं। अब पहले की तरह बड़े बड़े पलंग, सोफे, बड़ी टेबलें, ये सब लोगों को पसंद नहीं है। स्मार्ट लोगों को स्मार्ट फर्नीचर चाहिए। ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे? मुझे लगता है आपको मेरी ये बिजनेस की बातें अच्छी नहीं लगी। चलिए मायरा की बात कर लेते हैं, और उसकी बातें तो आपको अच्छी लगती हैं। देर हो रही है, तो मुझे चलना चाहिए। अब जब मायरा को आपके पास भेजा था बिजनेस प्रपोजल लेकर, आपने जवाब मुझसे क्या कहा था? कि आपकी बीवी है, उसने आपको कुछ बता रखी? नहीं बताया, बस जब घर आई तो उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसे आग से झुलस दिया हो, वो तो बेहोश होके गिर गई। जिसम और मुंह से आग उगल रही थी, 3 दिन ऐसे ही रही, फिर ठीक हुई। लेकिन जब भी इस मौजू पर बात करो तो फिर मुंह से आग उगलने लगती है, क्यों? I think that's a good sign, but मेहरतमंद है आपकी बीवी। अगर मेरी बीवी गैरतमंद है तो मैं क्या हूं? गैरत समझदार आदमी आप। जो आदमी अपनी बीवी को किसी गैर आदमी के पास बिजनेस प्रपोजल देके भेजता है, यकीन वो बेगैरत ही होता है। आदर साहब सच कहूं, मैं आपको एलीट क्लास का ना
प्रोग्रेसिव और ओपन माइंडेड इंसान समझता था। अफसोस, आपको पता है मैंने अपनी बीवी को क्यों भेजा था? क्योंकि मुझे उस पर एतमाद और उससे ज्यादा खुद पर एतमाद था कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। तुम इस सब के बारे में ऐसा समझ रहे हो? सोच हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच पर रद हो रही है। जैसे तुम एतमाद कह रहे हो ना, वो एक्चुअली हाकमियत है। तुम मायरा को अपनी मलकियत समझते हो। इनफैक्ट एक गुलाम, एक कनीज, या फिर सिर्फ एक चीज जिसे तुम जब चाहो, जैसे चाहो, जिस तरह भी चाहो इस्तेमाल कर सकते। इसलिए तुम अपना ये फजूल सा बिजनेस आइडिया लेकर के मेरे पास खुद नहीं आए, अपनी बीवी को भेजो, राइट? हाँ, और दूसरा, ये तुम इतने सुर किस्म के जुमले बोलते हो, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, ये फैंसी अंदाज में तुम बातें करते हो। यू कांट मेक फूल आउट ऑफ मी। दुनिया को तुम बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। तुम्हारी औकात को अच्छी तरह पहचान चुका हूं, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। एक मिनट, शाबाश है, तुमने खुल्लम खुल्ला जलील कर दिया मुझे। आई एम फीलिंग पेन हियर। चलो भाई वाला काम करो, ये कॉफी का बिल चल पे करो, वरना दिल के साथ साथ जेब में भी दर्द होगा। लेकिन मानना पड़ेगा आदर, इंसानों वाली सॉकेट में तुम्हारे पास ईगल आई है। सारी दुनिया में सिर्फ तुम हो जिसने सलमान को पहचान लिया, और अब सलमान से पंगा लिया है तो कब्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। सारी जिंदगी सिसकते रहो के तुम पेंशन। मैंने अरसलान भाई से इसलिए रिक्वेस्ट किया था कि तुम यहाँ रुक जाओ ताकि हम आपस में टाइम स्पेंड करें, थोड़ी बातें करें। ऐसे क्यों बैठी भी हो? अच्छा तो तुम बताओ क्या करना है। विशाल, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? तुम्हें पता चल भी गया है तो क्या कर लिया तुमने? परेशानी हो रही हो ना, इससे तो अच्छा था तुम बेखबर ही रहती। एक और डॉक्टर के पास चलेंगे, मैंने अपॉइंटमेंट लिया है। किस लिए? सेकंड ओपिनियन के लिए। ठीक है, तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेते हैं। इतनी मायूसी की और नाउमीदी की बातें क्यों कर रही हूँ? पहले तो कभी भी ऐसे नहीं करती थी। मैं मायूस और नाउमीद नहीं हूँ मायरा, डर रही हूँ। इससे डर रही हो तुम? अरसलान भाई से? अरसलान से, खुद से, दुनिया से,
अपने मुस्तकबिल से। अगर मेरे बच्चे नहीं होंगे तो मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगी, किसके साथ गुजारूंगी? तुम बस मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, चलोगी ना? सॉरी, मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। मैं भी आपसे वही कहूंगी जो आपसे आपके पिछले डॉक्टर ने कहा था। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मिशाल माँ क्यों नहीं बन सकती? देखिए, कुछ खवातीन में नेचुरली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और जहां तक बात है आपकी बहन की, तो इनकी कॉम्प्लिकेशंस कुछ इतनी ज्यादा है कि जिसको हम किसी ट्रीटमेंट से नहीं पूरा कर सकते। हम और कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो आप रेकमेंड करेंगी, कोई इस तरह की मेडिकेशन कुछ भी हो? देखिए, करने को तो मैं आपको काफी सारी चीजें रेकमेंड कर सकती हूँ, मगर इन सारे प्रोसेस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ एक नेचुरली इनके अंदर नहीं है, वो हम उसको किसी तरह क्यों नहीं कर सकते जी। और जो कुछ भी है बाकी सब अल्लाह के हाथ में है जी। क्या फायदा हुआ, बिला वजह मैं सेकंड ओपिनियन के चक्कर में मुझे डॉक्टर के पास ले गई। इस डॉक्टर ने भी वही कहा है जो पहले डॉक्टर हमें बता चुकी है। ये तो उम्र भर का दुख है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। बस कर दो बेटा, जब से आई हो तब से दुखी हो तुम। ये मेरे बच्चे, कहां तुम डॉक्टरों की बातें सुन रही हो? अरे दो चार किताबें पढ़ लेते हैं, अपने आप को अकेले कुल समझने लगते हैं। तुम देखना, अब मैं तुम्हारा रूहानी इलाज करवाऊंगी। अरे अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है बेटा, और तुम देख लेना, बहुत जल्द ना तुम्हें भी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। घर कब पहुंचे? पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ मुझे, तुम्हारे के साथ बाहर गई हुई थी? जी, वो मैं मायरा के साथ बाहर गई थी, अब वापस आ चुकी हूँ घर। तो वही तो पूछ रहा हूँ, कब आई घर? मैंने तुम्हें फोन किया था, कॉल बैक नहीं की तुमने मुझे, तुमने अपना फोन चेक नहीं किया? मैं बस अभी 5 मिनट पहले घर आई हूँ, आपको कॉल करने ही वाली थी। ऐसे तुमने ठीक नहीं किया मिशाल, तुम मायरा की मौजूदगी में अपनी अम्मा के जो ठहरी हुई, तुमने मुझे तंग करके रख दिया है। वो जैसा हर वक्त अपने शौहर को तंग करती रहती है, लड़ती रहती है,
वैसे ही तुम मेरे साथ भी कर रही हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह हम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नहीं अरसलान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान मत हो। होना भी नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बहन क्लिनिक क्यों गई थी, तुम्हें साथ लेके क्यों गई थी? चलो ठीक है, मैं अपना ऑफिस पहुंच गया हूं, मैं बाद में बात करूं। यार सलमान, मैं नहीं चाहता कि मैं आप बीवी के बीच में मैं बात करूं या बोलूं कुछ भी, ना ही मैं चाहता हूं कि मेरे और मेरी बीवी के दरमियान कोई आए। ऐसे बात क्या है? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। कैसी माफी? यार मैं ना यार, जब तुम मायरा को लेने गए थे ना क्लिनिक, घर में ठीक ठाक हंगामा हो गया था, मैंने भी तुम्हें बातें सुना दी थी उसके लिए। अब मुझे अंदाजा हो गया कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये औरतों के चक्कर में ना भाइयों का रिश्ता नहीं खराब होना चाहिए। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? तुम्हें पता है मायरा एक दूसरे अस्पताल जा रही है? नहीं क्या जा रही है? हाँ कैसे मांगू तो?